ना मालूम चीते ना मालूम मैंने ऐसे ही कह दिया है मालूम है मुझे सबका वो रोमियो है वो काजू है जो दांत में से खलाल कर रहा है जबान से उसके साथ बैरून बैठे हैं और साथ अंदरून जो बड़ी जानने बूझने वाली निगाहों से देख रहे हैं हम जाएंगे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ तो पहली ब्रेकिंग न्यूज आई है शायस्ता लोधी की तरफ से जिन्होंने शिकायत की है कि मेरे पास खातिन अपने नौ जायदा बच्चे लेकर आती हैं और उनको कहती हैं कि भाई इनको वाइटनिंग मेडिकेशन और इंजेक्शन लगा दें और ये एक तश्वीशनाक बात है कि इतने छोटे बच्चे को वाइटनिंग इंजेक्शन लगा दिए जाए भाई तुफ है उन माओ पे जैसा बच्चा है उसको ऐसे ही कबूल करें भाई लर्न टू लव दिस स्किन ऑफ योर्स जो है जैसे है आपको अल्लाह ने दिया है बहुत खूबसूरत है मैंने डायरेक्टली एफ के बाद काम करना शुरू कर दिया था हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बैचलर्स कर लूँ लेकिन मैं दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था ये एतराफ़ किया है यासिर हुसैन ने यासिर जीनियस आप अपने क्राफ्ट में अपनी आर्ट में शानदार हैं अगली खबर आई है मैं हयात की तरफ से जो कहती है कि किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी पर्सनैलिटी पे मेरे किरदार पे बात करें जो बिल्कुल ठीक है लेकिन हर इंसान को यह आजादी मौजूद है कि वो अपनी दिल की बात कह सकें तो महविश हम कहें या ना कहें याद नहीं थी ये आपसे ज्यादा किसी भी एक्टर की सपोर्ट के लिए कोई नहीं आता लेकिन दादिया के लिए भी आपकी सपोर्ट इसी तरह होनी चाहिए रमशा खान का कहना है की उनके इस इंडस्ट्री में दो ही बेस्ट फ्रेंड है एक और दूसरी जैदी. We can very well guess why. फलक शबीर ने एक ट्रोल को दिया बड़ा ही करारा जवाब जब एक तस्वीर पोस्ट की उन्होंने ईद पर तो एक ट्रोल ने कहा कि लगता है ये भूल गए हैं कि ये माँ बाप के बच्चे हैं। मेरा मतलब एक बच्चे के माँ बाप हैं तो जिस पर फलक ने एक पोस्ट पर आंसर किया कि भाई बच्चे सो रहे थे यकीन करें मां बाप के बच्चे सो भी सकते हैं फिर शो में भी आ जाते हैं होता है ऐसे ही अगली खबर आई है एहसम खान की तरफ से जो मिले नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जो उनके फेवरेट स्टार हैं उन्होंने कहा लेकिन सवाल ये उठता है सोनिया जी कि ये ड्रामा तो बड़े दिन पुराना है बल्कि बड़े साल पुराना है आप तक अब पूछा है नादिया जमील ने वहाज अली का एक बहुत ही खूबसूरत कमेंट दिया है कि आज वहा जहां भी है उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया एंड वंडरफुली सेल्फ मेड इस बात पे तो हम भी यकीन रखते हैं क्योंकि हमने पिछले दस साल में वहाज को काम करते देखा लेकिन शायद कहीं और ही देख रहे थे बड़े बड़े नामों के ऊपर बड़े बड़े किरदारों के ऊपर और इस साल जब सितारा चमका है वहाज का तो क्या चमका है बुशरा बुशराबा से ही अगली खबर मंसूब की जाती है वो कहती है कि अगर मैं अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ करूं तो मुझे लोग नहीं पहचानेंगे ये चेहरा यानी उनका चेहरा सदियों से लोग पहचानते हैं और वो ये अफोर्ड नहीं करती किसी सूरत भी कि उस चेहरे में कोई रद्द किया जाए टू यू बुशापा हम नहीं चाहते कि आप अपना चेहरा बदले वी लव यू लाइक यू आर आपने इतनी खूबसूरती से ग्रेस किया है मतलब हैट्स ऑफ टू यू अब मैं जा रही हूं बुलाने अपने सेट की दो फुल झड़ियों को क्योंकि मोहमिना तो लंबी छुट्टियों पे चली गई है हम बुला रहे हैं और जोहा को मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुम दोनों जानो और कॉन्ट्रोवर्सी जाने फिर तो आज रगड़ा लगाने लगे हम बहुत ही हाँ बिल्कुल सही समझ रही हो फिरोज खान को एक दफा फिर एक दफा नहीं बार तुम बार चाहते हो कि फिरोज खान हमें नोटिस भेज ही दे है ना क्यों पीछे पड़ गए हो तुम तो हमारा, हमारा कोई कसूर नहीं है अगर वो कॉन्ट्रोवर्सी में रहते वो करते ही इस तरह क्या किया उसने बताओ <laughs> तुम लोगों की आप जनाब शुरू हो गए <laughs> बताओ अच्छा रीसेट उनकी सिस्टर जो है हुमामा ने उन्होंने कहा है कि मेरे भाई के बारे में जितनी बैशिंग्स हो जितना वो ट्रोल हो चुके हैं उनके तो गुनाह सारे माफ हो चुके होंगे Well, आई कंप्लीटली यानी कौन से गुनाह हैं जो हमसे छुपाए गए हैं जो हमें नहीं मालूम क्या मतलब अंदर कुछ मामला गड़बड़ है मतलब अलीजे और उनकी डिवोर्स हुई थी ना और उसके बारे में भी चीजें कुछ खुल के सामने नहीं आ पाई थी और अभी भी उनका टसल सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है आप लोग किस किस दुनिया में रहते हैं उनकी सारी जो सेपरेशन का केस था वो मीडिया पर ही तो खुला था बट वो उसमें भी रीजन तो नहीं इतनी खुल के सामने आए थे भाई जो मीजिक वायलेंस से ज्यादा बड़ी रीजन और कोई हो सकती है कुछ चीजें अलीजे ने नील तक दिखा दिए थे कुछ चीजें सामने आई थी ना कुछ चीजें वो कवर करते रहे थे डिफेंड करते रहे थे खुद को तो हम किसी भी चीज का वर्डिक नहीं ले पा रहे थे लेकिन अच्छा। अभी भी दोनों की ना वो एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है वो हो रही है लाइक वो कह रहे हैं है कि मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा और वो कह रही है कि किसी ने किसी को किसी से मिलने से नहीं रोका भाई बंदा किसकी सुने किसकी माने देखिये आपका दिल किसकी बात पर मानता है दोनों की बात पर नहीं मानता दोनों की ये बहुत अच्छी बात की आपने अलायका कि दोनों ही की बात पे नहीं मानता क्योंकि हकीकत बात ये कि कपिल के दरमियान क्या होता है उनकी अपनी जो जिंदगी है वो कैसे गुजरती है ये वो दोनों ही जानते हैं जैसे आम जिंदगी में मतलब शेजी और उसकी बीवी होंगे और उसकी बीविया होंगे या मतलब इस ग्रुप में कोई भी बैठा होगा अपनी बीवी के साथ जो उसका ताल्लुक होगा वही ताल्लुक एक सेलिब्रिटी का एक से अपनी वाइफ से है वो चाहे सेलिब्रिटी वाइफ हो या एक नॉर्मल वाइफ हो जैसे एलिजे पहले थी आई थिंक किसी भी कपल की सेपरेशन को लेके ना उसका इतना मेरा नहीं ख्याल जितनी इनका तमाशा बना है उससे ज्यादा किसी और सेलिब्रिटी कपल का नहीं बना आपका क्या ख्याल और भी, और भी होती हो है। है। खुद 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 बनाया लाए हैं सोशल मीडिया पे आपको अगर या तो अगर अब लेट्स फिर रोज कल को हमें बैश कर इतना इस बात पे कि आप लोगों ने हमारी शादी को इस तरह से डिस्कस किया है तो आपने खुद इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लाए हैं और आपने खुद अलाउ किया है सबको कि आप ये करें तो आप ये नहीं कह सकते देखिए मेरी बात सुने ये इंडस्ट्री है और हर इंसान देखिए इंसानों से गलतियां तो होती हैं पीपल आर हम इंसान हैं खता का पुतला है हाँ एक चीज होती है कि जब ये जो ये लोग जो सेलिब्रिटीज हैं बड़े बड़े इस इस अपनी जिंदगी के लेवल पर पहुंच जाते हैं ना तो फिर ये भूल जाते हैं कि इनके लिए कितनी कितनी हुई आप उमायमा की बात से शुरू हुए थे उमायमा ने अपनी फैमिली के लिए कितना किया है मैं, और अब भी कर रही है मैं उधर ही जा रही थी आपने मेरी बात को आपने मुझे वो मुझे क्यों दे दिया अगला जो मेरा मेरे पास फिरोज से ही रिलेटेड एक और कॉन्ट्रवर्सी है लड़की पीछे पड़ गई है फिरोज खान के बेसिकली कुछ

इस तो, पे उनकी एक तो, फैन ने नहीं उनकी खुद की बहन के बारे में क्या ख्याल एक सेकेंड एक सेकेंड रुक जाओ सबर करो उनकी रुको जरा सबर करो तो उनकी एक फैन ने उस पोस्ट पे या उस चीज को कमेंट करते हुए लिखा कि फिरोज आई ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स बट आपकी इस बात से मुझे इख्तलाफ है अच्छा उन्होंने कहा कि आप हमेशा कहते हैं वोकल रहो तो इसलिए आज मैं अपना ओपिनियन लेके वोकल हो रही हूँ और मैं आज इस चीज को सामने ला रही हूँ आपने जिस तरह से अपनी अपनी लाइफ का तमाशा बनाया और अब बुरे ऑफकोर्स कोई काम रिसेंटली रिसेंट टाइम्स हमने नहीं देखा कि वो कोई काम कर रहे हो आगे हमें नहीं पता अभी तक तो वो एक साल से अप्रॉक्सिमेटली उनका कोई नया प्रोजेक्ट सामने नहीं आ रहा देखिए आप लोगों <coughs> को एक बात भूल जाती है कि जब ये इंडस्ट्री किसी को सपोर्ट करती है तब भी अंधी तकलीद होती है और जब किसी को कैंसिल करते हैं तो तब भी अंधी तकलीद होती तकली ऐसा नहीं होता एक प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को एक तो कभी मिक्स नहीं करते एक बात दूसरी बात ये कि जब आप एक पब्लिक फिगर हैं और इस मैथ लेवल के पब्लिक फिगर हैं आप पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री को पब्लिक में नहीं धोते लेकिन आयशा आगे सुने जी आगे क्या होता है वो कहती हैं कि आपने जिस तरह का कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अपनी अपनी इस सारी कंट्रोवर्सीज इन कंट्रोवर्सीज में आने से पहले जो रखा हुआ था वही अगर आज आप इन्जॉय कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हुमायमा की मेहनत की वजह से है क्योंकि वो पिछले एक साल से अभी तक हमें नहीं पता कि उनका कोई नया प्रोजेक्ट आया हो तो वो तो एक साल से जॉबलेस है उनके पास कोई वो नहीं है और तो 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 आपका तो क्या ख्याल तो है कि वो जो एक साल से उन्होंने काम नहीं किया तो उनके पास पैसे नहीं एक एक प्रोजेक्ट के लाखों यानी चालीस पचास लाख रुपए वो एक एक प्रोजेक्ट के और पीछे खुदा और मोहब्बत ब्लॉक बस्टर हिट था लेकिन तो ये बातें बचकाना बातें आप लोग बगैर सोचे समझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए आप मैं आपको वो बता रहा हूँ जो उनकी फैन ने कहा अच्छा अब आपका क्या है सुने तो सही अभी सुने तो उन्होंने लिखा तो आपको ये प्लीज आप इतने बड़े पब्लिक फिगर है आपको इस नारेटिव को नहीं सपोर्ट करना चाहिए आपको बल्कि अपनी मुल्क की खुतिन को ये ये कहना चाहिए उनको ये इस तरह के मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने पैरों पर पे खड़ी हो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और आगे कुछ जॉब्स में फील्ड में उतरें ताकि हमारा मुल्क और ज्यादा प्रॉस्पर कर सके तरक्की कर, तरक्की कर सके ओके okay. तो उस पर फिरोज थाट कि यह बहुत जरूरी है इस चीज़ को रिप्लाई करना तो फिरोज़ ने रिप्लाई किया फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ जी मैं कहता हूँ कि अपने ओपिनियंस को लेकर डाउट होना चाहिए एंड सेकेंड ऑफ ऑल क्या आपको लगता है कि हमायमा जिस हाइट ऑफ सक्सेस सक्सेस पे पहुंची हैं वो अपने हमारे हमारे बाप और हम तीन भाइयों की सपोर्ट के बगैर हो सकता था और उसके बाद उन्होंने लिखा है एक एक्सप्रेशन होता है माइक ड्रॉप जो होता है कि आपने अगर कोई बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल रोस्ट कर दिया हो ना तो आप कहते हो माइक ड्रॉप तो ये रोस्ट नहीं था यह आपने अपना मजाक उड़ाया है क्योंकि जिस तरह का काम हमायमा ने किया है उस तरह का मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में अभी तक उस तरह का कैरेक्टर किसी ने मतलब वो शो बहुत लोगों ने किया है और बहुत सारी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं लेकिन हुमायमा का रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी द लेजेंड ऑफ मौला जाट में अच्छा। उस जैसे उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया अच्छा ठीक है लेकिन एक लोहा... दफा भी सुन लिया दो दफा भी सुन लिया अब बस आगे बढ़ो ना इस बात पे लेकिन मैं फिरोज खान की इस बात पे उनका साथ दूंगी कि अगर वो अलाउ ना करते उनके पेरेंट्स तो वो कैसे काम करती देखिए आप अलाउ को ना ये? सपोर्ट करते I तो agree. वो कैसे यहाँ तक आती उनको छोड़े आप फैमिली अगर के अगर सपोर्ट होती है अगर आपकी वाले सपोर्ट ना करते तो क्या आप स्क्रीन पर बैठकर काम कर ही होती अलाउ क्या होता है अगर आपको किसी फी में उतरना होता है तो आप उतर जाते हैं ऐसे नहीं होता आपको आपके जो नेयरस्ट डियरस्ट मेल सपोर्ट्स होते हैं वो आपके साथ खड़े होते कि कल को अगर कोई आता है जिंदगी में तो फेस उन्होंने करना है आप इस, आप पता है देखें आई टोटली एग्री विद कोर्स अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप किसी चीज के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते अगर आप फिरोज पे कोई बात करना चाहें तो वो एक अलग बात है लेकिन फैमिली की सपोर्ट के बगैर हमारा मुआरा ये माशरा नहीं है जहाँ लड़कियाँ इंडिपेंडेंटली बहुत आगे सक्सेसफुल करियर कैरी कर सकें मैं अपनी बात करूंगी मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर कुछ ना कर सकती क्योंकि मुझे पता है हमारा मुआरा एक्सेप्ट नहीं करता इतनी सीरियस बातें हो गई हैं कि मुझे अब ब्रेक में जाना पड़ेगा भाई आप लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि मेरे मेहमान उनकी गाड़ी आ गई है गिराज में आप लोगों ने कहीं नहीं जाना रहा था वेलकम इज राइट बैक और एक धमाकेदार परफॉर्मेंस लेकर आ गए हैं मेरे मेहमान गेस कर सकते हैं आप लोग कौन है मैं मैं तो मैं जो तो उनका रोल प्रेम गली में ही बहुत पसंद आया तो। सीधा पहुंच गई है प्रेम गली जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ वो एक ऐसे खानदान के चश्मो चिराग है जिनकी रग रग में म्यूजिक दौड़ता है वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक ऐसे इंसान की लेगेसी को फॉलो किया है बल्कि मैं यूं कहूं तो उनका नाम एक लेगेसी है वो खुद एक इतना बड़ा नाम है कि पाकिस्तान के नाम को रोशन किया है उन्होंने पूरी दुनिया में कॉमेडी कहते किसे हैं कोई उनसे सीखे प्रोडक्शन किसे कहते हैं कोई उनसे सीखे म्यूजिक की सूझबूझ समझ कोई उनसे समझे मैं जिनको दावत देने जा रही हूं वो हमारे लेजेंडरी फोक सिंगर इनायत हुसैन भट्टी साहब के साहबजादे वसीम साहब सर ये ड्रम रोल अगर ता हयात में चलता रहे ना तो आपके लिए कम है आपकी <laughs> बड़ी मेहरबानी है बहुत शुक्रिया सत्रह साल की उम्र में प्रोडक्शन में उतरना मैं अगर ये कहूँ तो ये अपने आप में एक अचंबा है मेरा नहीं ख्याल कि इस ख़त्ते की हिस्ट्री में कोई इतना छोटा प्रोड्यूसर पैदा हुआ होगा Actually, वो, आ, मैं कोई, आ, मतलब आई वॉज नॉट देंसर ऑफकोर्स मैं जैसे अब हमारे लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं बिल्कुल तो उस तरह से मैं था मेरे फादर का प्रोडक्शन हाउस था और बहुत जब मैं यंग था तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि ये काम ऐसा था फिल्म का काम ऐसा था कि इसमें बहुत सी बहुत से घपले जो हैं वो आसानी से प्रोड्यूसर्स बहुत सारे घपले किया करते थे राइट तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि बेटा है मेरा तो ऐसा नहीं करेगा और यकीनन आपने उनके ट्रस्ट को मैंने उनके ट्रस्ट को जी उनकी हद तक तो आ, उन्हें यही लगा कि मैंने कभी उनके ट्रस्ट को बिट्रे नहीं किया आपने किया? मैंने आ, जो एक आम प्रोड्यूसर अगर वो किसी को हायर करते तो जितना पैसा वो खा सकता था उससे कुछ आर गुना ज्यादा मैंने खा लिया <laughs> 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 आप... और मैं समझता था कि ये मेरा राइट है आहा? ये मेरे बाप का पैसा है तो मैं नहीं खाऊंगा तो कौन खाएगा ये मेरे बाप का बिजनेस है और उसमें मजे की बात यह है कि वो मैं उन्हें उसका एक हिसाब बना के दिया करता था जो जी जो जो शूटिंग्स चलती थी तो एक हफ्ते के बाद मैं उनको पूरी डिटेल उसकी बताता था और उस दिन मैं अपना मूड बड़ा ऑफ कर लेता था अच्छा तो माय फादर वाज अ वेरी लविंग फादर अ वेरी वेरी लविंग फादर तो वो मुझे बुलाते थे मेरा मैं अपर पोर्शन में था तो वो मुझे बुलाते थे कि आओ भाई मैंने जाना है फिर जरा हिसाब दो तो उस वक्त उनकी आवाज में जरा और किस्म की एक गरज, गरज होती थी और जब मैं आता था और मैं खुद जरा मूड दिखा के मैं कहता था जी ये देख लें आप ये देख लें ये देख लें तो वो देखते थे मुझे वो कहते थे यार मैं को तेरे ते शक नहीं कर रहा <laughs> मैं तो वैसे ही पूछ रहा वहाँ जो तू लिखे ठीक ही होना मैं बस ठीक है जा तो ये मेरा एक पैटर्न था जो मैं बैलेंस कर लिया करता था <laughs> 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 <laughs>

उसके बाद आप आइए पहले प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ली जी जी फिर उसके बाद मैं रेडियो गया जी अच्छा रेडियो चले रेडियो के लिए ऑडिशन दिया और बहुत ही बुरी तरह रिजेक्ट हुआ बहुत ही बुरी तरह अच्छा उसके बाद मैं पाकिस्तान टेलीविजन गया जी आ, एक बहुत हमारे बहुत फेमस आर्टिस्ट खुदा गरी के रहमत करे मोहम्मद शफी बिल्कुल वो हमारे दोस्तों में से थे मेरे बड़े भाई के दोस्त थे तो वो मुझे अपने साथ लेके गए तो वहां पे मैंने ऑडिशन दिया तो बुरी तरह रिजेक्ट हो गया। oh तो अच्छा, यानी रेडियो से जी जी रिजेक्ट पीटीवी से भी रिजेक्ट।, रिजेक्ट और उस वक्त पीटीवी का दौर था ऐसा दौर था जी कि उस वक्त तो जो पाकिस्तान टेलीविजन के जो प्रोड्यूसर होते थे जी। वो जब दाखिल हो रहे होते थे तो पता चल जाता था कि इनके पास कोई ड्रामा है क्योंकि उनकी चाल डिफरेंट होती थी उनके कमरे में एक रश होता था वोग 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 उनके हाथ में एक ब्रीफ केस होता था हालांकि प्रोडक्शन का ब्रीफ केस से कोई, कोई ताल्लुक नहीं, था। नहीं था। <laughs> ले, लेकिन वो एक, उनका उनका एक ग्रैंड जो हाँ हाँ वो एक उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल, जी हो क्या जी, बिल्कुल।, बिल्कुल। ये कहा जाए कि छोटे, -छोटे ना खुदा थे लोग बड़े एरिया रगड़ते रहते थे अंदर जाने की इजाज़त नहीं मैं आपको आयशा बताऊ की जब हमने काम शुरू कर दिया कुछ दस बारह ड्रामे भी कर लिए और ये हुआ ये अल्लाह तला की कर्म नवाजी थी कि मुझे लीडिंग कैरेक्टर्स ही मिले माशाल्लाह उस वक्त भी नहीं दो तो, जी बड़ी तो, बडी इतना बस वो अल्लाह ताला की को रहमत थी परवरदिगार <laughs> की तो लेकिन उसके बावजूद आप यकीन करें कि हमें एक एक महीना बैठना पड़ता था स्क्रिप्ट के इंतजार में ओके। कि स्क्रिप्ट आना है और उसमें पता नहीं कोई काम निकलेगा या नहीं निकलेगा क्योंकि चॉइस नहीं थी और कोई सिर्फ पीटीवी था और आपने सिर्फ पीटीवी ही करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं कोई ऑप्शन नहीं है और एक सेंटर से यानी लाहौर कराची कोयटा इस्लामाबाद पिशावर तो पांच सेंटर से एक सीरियल होता था डिफरेंट डेज में हाँ। जी जैसे मंडे जो है वो एक के पास है ट्यूसडे एक के पास तो जब सीरियल की कास्टिंग हो जाती थी तो फिर आपको साढ़े तीन महीने के लिए फारि थे ओए, 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 ओए। फिर तो कोई काम नहीं ना, कोई वो काम है ना सीरियल की कास्टिंग हो चुकी हाँ? है वो और तो आप हैं। और आप वेले हैं तो फिर वो अगले का इंतजार करना पड़ता है so, a, a, a tough period फॉर एन एक्टर क्योंकि चॉइस नहीं थी और फिर जो प्रोड्यूसर uh, या जो नाखुदा थे छोटे छोटे जब वो आपसे कोई खफा हो जाते होंगे या आपसे किसी बात पे नाराज हो जाते होंगे तो फिर तो आपका दाना नातका बंद कर देते होंगे वो अच्छा वो ये हुआ कि शुरू में ये हुआ अच्छा कि वो खफा हो जाते थे तो फिर हमें फिक्र पड़ जाता था कि अब क्या करें कि अब क्या करें हाँ। अच्छा फिर एक दौर आया अल्लाह ताला ने एक ऐसा दौर दिया परवरदिगार ने माशाल्लाह कि हम कहते थे कि यार ये मैंने नहीं करना और वो खफा हो जाते थे इस बात पे

उस दौर में मुझे तो अंदाजा है कि उस दौर के वैल्यूज में आज के बाद लेकिन आपके हिसाब से क्या मुख्तलफ है कहाँ खड़े हैं हम लोग जो अभी इंस्पायर कर रहे हैं आप लोगों के मतलब नक्शे कदम पे चलने के लिए और हमसे छोटी जनरेशन जो अब उधर खड़ी है जो ये सोच रही है कि ए लोग हटन तो साढ़ी बारी आए आ, मैं, मुझे, मुझे यूं लगता है कि प्रोडक्शन तो बहुत बेहतर हुई बिल्कुल आज के दौर में ट्रीटमेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट से लेकिन अब वो फिल्टर्स वो? है ना जी आ, बिल्कुल अब आप त... <laughs> ये वही हिसाब है अब मैं वो किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन वो बहुत सारे आ, हमारे दोस्त भी और हमारी कोलीग्स भी वो अब जब तस्वीर अपनी लगाती हैं तो लगता है यार इससे ज्यादा हसीन हसी? तो है ही कोई नहीं और जब वो सामने आती हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये तो ही फोटो है बाजी ऐसा ली बाजी नहीं मिलना है। <laughs> मिलना। है। <laughs> तो टेक्नोलॉजी तो बहुत बेहतर हो गई है और आ, मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्टर्स हैं आज के दौर के बड़े सेंसिबल हैं कुछ मक्खी पे मक्खी मारते हैं सर लेकिन एक सवाल का मुझे प्लीज आपसे जवाब चाहिए अगर आपके पास हो तो हमारे कंटेंट को क्या मौत पड़ी है एक्चुअली यही बात है जिसपे मैं आना चाह रहा था अच्छा। कि प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी हो गई। बहुत अच्छी हो गई। पैसे भी बहुत अच्छे हो गए पैसे भी बहुत अच्छे हो गए। आपका बजट भी बहुत अच्छा हो गया जो वीकनेस है वो कंटेंट ही है हाँ। आज अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान टेलीविजन के जमाने का और आज के जमाने का जो आपको मेजर डिफरेंस नजर आएगा बिल्कुल वो आपको स्क्रिप्ट देर यू गो के उस वक्त स्क्रिप्ट बहुत तगड़े होते थे कास्टिंग बहुत प्रॉपर की जाती थी, वेल well होते थे, जी हाँ मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हयात हैं उस दौर के अल्लाह उन्हें जिंदगी दे कुछ दुनिया से जा चुके हैं जो हयात हैं वो शायद मेरी इस बात का बुरा मान जाए सर उनका कोई बुरा नहीं मानना <laughs> 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 मतलब मैं उन्हें कहीं बहुत ऊपर रेट नहीं करता हूँ वो right. बहुत एक सिंपल टेक्निक पे काम करते थे ठीक कोई हम ये कहें कि उनके शॉर्ट्स में बड़ी क्रिएटिविटी थी, थी। जिद्दत थी ऐसा कुछ नहीं था एक सेट पैटर्न था थ्री कैमरा प्रोडक्शन होती थी और तक तक करके हम पूरे का पूरा सीन एक गो में कर लेते थे आज के टेक्नीशियंस जो हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो बहुत विजनरी हैं। बहुत विजनरी। है थोड़ा ऑफ बात कर रहा हूं कोई बात नहीं, सर। परिजाद एक प्ले आया बहुत आप देखिए क्या उसका हसीन स्क्रिप्ट था और उसमें यह हुआ कि फिर जब स्क्रिप्ट एक्टर को ठुक जाता है तो आप उसमें सभी की परफॉर्मेंसेज देख लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन पॉइंट सबकी और खास तौर पे जो हमारा वो लीडिंग बच्चा था नहीं। उसने नहीं। तो अहमद अली।, अली ने तो कमाल कर दिया ना कमाल कर दिया extraordinary, extraordinary। आप जा रहे हैं ब्रेक पर कहीं नहीं जाना डोंट टच दैट रिमोट योर कमिंग राइट बैक मौजूद मौजूद हैं मुझे यकीन नहीं आ आ रहा कि वो वा हमारे साथ है। सर सर so so बहुत शुक्रिया, बहुत सर, शुक्रिया। इनको जोर-जोर से सवाल आ रहे इनसे प्लीज, प्लीज। आपको कोई क्रेजी सा मोमेंट कोई फैन मोमेंट जो आपको बड़े बुरा लगा हो कि नहीं उसको ऐसा नहीं था करना चाहिए कुछ क्रेजी फैन एक्चुअली समझता हूँ अपने लिए ये है कि मेरी एक टीचर होती थी आ, जो कि मेरी बहुत फेवरेट टीचर थी अच्छा और वो हमें अंग्रेजी पढ़ाया करती अच्छा मेरे मेरी जबान पे था कि यकीनन इंग्लिश टीचर हाँ, हुई। हुई। वो अंग्रेज़ी पढ़ाया करती थी और फिर जब हम स्कूल से फारग हो गए तो उनके साथ बड़ी एसोसिएशन थी बहुत हम उन्हें बहुत ही पसंद करते थे बड़ी प्लेजेंट सी खातून थी वो बल्कि क्लास में वो हमसे कहती थीं कि अच्छा क्या मूड है भाई आज पढ़ने का मूड है या गाना गाने का मूड है तो बच्चों ने कहना कि भाई आज तो गाना ही गाने का मूड है तो वो खुद भी सुनाया करती थी अरे वाह तो खुद भी शौक था जरा गाना का <laughs> तो बहुत सारा वक्त बीच में गुजरा कोई पंद्रह बरस गुजर गए तो मैं कोत में एक प्ले करने के लिए गया हुआ था स्टेज प्ले करने के लिए तो एक साहब आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि जी वो कोई आपसे मिलना चाहता है कोई ख़ातून है वो आपसे मिलना चाहती हैं तो मैंने कहा जी उनका नाम बताइए कौन है वो मैं तो नहीं जानता तो उन्होंने कहा वो कह रही हैं कि वो मेरे सामने आएगा तो एक सेकंड में मुझे पहचान लेगा अरे तो मैंने अच्छा ठीक है बुला लीजिए उन्हें तो तो जब वो आई तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ थे अरे। मैं उन्हें पहचान नहीं सका तो उनका एक्सप्रेशन जो है इट वॉज सो नो सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेकिंग उनके हस्बैंड ने मुझे बताया कि भाई ये वो है और मैं बहुत फिदा हुआ मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की बट वो कोई ऐसा उनका दिल टूट गया था कि वो चली गई ओए ओए। बाद में मैंने उनसे मिलने की कोशिश भी की वहीं पे सो so, वो एक मोमेंट है जो मैं बहुत उस मोमेंट को जब मुझे याद आता है तो मुझे बहुत पछतावा होता है और बहुत शर्मिंदगी होती है इस बात पे। आपकी बात के रोंगटे खड़े हो गए आप आजकल के बच्चे टीचर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते और एक इंसान जो उस वक्त यकीनन आप अपने करियर की पीक पर जी, जी। और उस बात का पछतावा आपको तो आपके घर वालों में से उन टीचर्स के घर वालों में से कोई अगर देख रहा है तो वो बहुत महसूस करते हैं इस बात को एंड ही जनरली इज फील ही फील्स वेरी सैड अभी तक तो आपने कुछ पूछा था सर मैंने आपसे पूछना था कि आपने इतने प्लेस किए हैं अपनी थ्रू आउट योर लाइफ आपने इतने रोल्स डिफरेंट डिफरेंट रोल्स अदा किए हैं सर अब ऑफ कोर्स हर बंदे की टी वी पर्सनलिटी और उनके घर में जो एक पर्सनैलिटी और पर्सोना होता है वो डिफरेंट होता है तो आपकी जो टी वी पर्सनैलिटी है वो आपके घर की ओरिजिनल पर्सनैलिटी से कितनी डिफरेंट है बिल्कुल डिफरेंट है बिल्कुल ही डिफरेंट है अच्छा मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जो कैरेक्टर्स मुझे ऑफर होते अदर देन कॉमेडी

ये बड़ा मुश्किल सवाल है अब <laughs> ये बच्चे <भी> बहुत <laughs> बच्चे बहुत हैं ये सवाल सब पूछते तो नहीं बताया जा सकता और, हाँ और, और वो आपका नाम भी बहुत रोशन कर रहे आपने थिएटर में भी बहुत काम बहुत काम जी और मतलब इंटरनेशनल भी आपने थिएटर किया है जी बिल्कुल किया है इस आप आजकल के बच्चे थिएटर के नाम से भागते हैं जी तो आपको लगता है सर आपके एक्सपीरियंस में और उनके एक्सपीरियंस में को, कोई एक चीज आप उनको कहना चाहें, उनको चाहें या हमसे शेयर करना चाहे इज थिएटर इम्पोर्टेंट अच्छा मैं आपको आ, इसकी एक मिसाल देता हूँ आप आ, आ, बहुत पुराने आज से कोई 26 27 बरस पहले का प्ले देखिए जो कि रिकॉर्डेड हो तो जब आप ऑडियंस को देखेंगे तो उसमें ख़वातीन बैठी होंगी उसमें फैमिलीज बैठी, बैठी होंगी, फ़ैमिलीज़ बैठी और फिर आज का प्ले आप देख लीजिए तो ख़वातीन को तो आप छोड़ ही दीजिए हाँ। शरीफ वो मर्द भी छुप के आके देखते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल शरीफ मर्द नहीं होते वहां पे, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है हाँ। जी मेरा थिएटर का पीरियड को मैं ये कहता हूं कि आज भी अगर डिसेंट थिएटर हो रहा होता और उसमें इतने पैसे होते क्या बात तो है? ट्रस्ट मी कि मैं सिर्फ थिएटर कर रहा हूँ बिल्कुल सही बात है हम इतनी मोहब्बत करते हैं लाइव ऑडियंस क्योंकि एक लाइव के ऑडियंस सा, के सामने परफॉर्म करना एक बड़ी बड़ी डिफरेंस ही फीलिंग है आयशा मैंने 26 साल थिएटर किया oh है God. और मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा ये 26 बरस जो है ये नॉन स्टॉप थिएटर किया है इसमें साल में मेरा ख्याल है पांच छुट्टियां आती होंगी पूरे पूरे साल में। पूरे साल में में oh, 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 oh. इसके अलावा थिएटर ही हमारा सब कुछ था ओडना बिछ होना एवरीथिंग वी जस्ट यूज टू लव इट और अब मतलब अब आप देखिए कि स्टेज का और ऑडियंस का कितना फासला होता बिल्कुल, है ना बिल्कुल बट वो इतनी ग्लैमरस और इतनी अच्छी फैमिलीज आया करती थी कि हम परफॉर्म स्टेज पे कर रहे हैं और परफ्यूम लगा के जाते थे कि खुशबू आए हालांकि वो इतनी दूर कहां जानी है खुशबू लेकिन वो एक साइकोलॉजिकली ना बिल्कुल कि इतनी इंटरेक्शन इतना और आ, मतलब कभी ऑडियंस के साथ कभी डायरेक्ट नहीं हुए थे हुँ, हुँ, अब तो आधा ड्रामा जो है वो आपस में कर रहे होते हैं आधा जो है वो लोगों के साथ कर के रहे होते हैं जो ड्रामा जो हो रहा है नहीं आयशा मैं मुझे अफसोस इस बात का है बहुत सारे मेरे जूनियर एक्टर्स जो हैं वो आज भी थिएटर कर रहे हैं मुझे अफसोस इस बात का है कि ये अब वो थिएटर कर रहे हैं एक तो होता है आप कहते हैं यार ये फैमिली के साथ बैठ के देखने वाला नहीं है एडल्ट थिएटर है है आप कहते हैं कि यार ये वाला प्ले जो है ना यार ये ना बच्चों के साथ नहीं देखना ठीक है ये वाला दोस्तों के साथ देखा जा सकता है खुदा की कसम आज जो थिएटर हो रहा है आप अकेले बैठ के नहीं देख सकते समझ नहीं आती कौन लोग हैं जो इस लवाई को दे देते सेंसर है और क्यूँ थिएटर की बर्बादी पे उमड़ आए हैं लोग पता नहीं जी ये तो देखिए ये तो इंतजामिया का काम है कितने लोग हैं कितने घर हैं कितने तो, चूल्हे हैं जो जल रहे हैं वेरी इजी आप इस पे चेक एंड बैलेंस बहुत आसान है सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है आप एक रिकॉर्डर लगा दीजिए हॉल में पता लग जाएगा और एवरी डे आप वो उसका रिकॉर्ड ले लीजिए बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसा हो आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है तो बड़ा अफसोस है मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की खराबी का अफसोस है तो वो थिएटर है okay. थिएटर okay. खराब हो गया हमारी हो फिल्म इंप्रूव हुई हमारी फिल्म इंप्रूव बहुत इंप्रूवमेंट की तरफ गई हमारा टेलीविजन इंप्रूव, इंप्रूव, इंप्रूव हुआ मैं त, आ, ये तमाम जो आज के यंगस्टर्स हैं लड़के लड़कियां फैबुलस एक्टर्स जबरदस्त एक्टर्स हैं वेरी ब्रिलियंट जरा सा अगर उनको और चैनलाइज कर लिया जाए

मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग इसकी खत्म हो गई है ऑन एयर होने वाला है तुम बस ये दुआ करो कि ये जिस दिन चला करे ना लोड शेडिंग हो जाएगा <laughs> इसको देखे ना कोई माई oh गॉड ये इतना बकवास है आप बिलीव करें उसने रेटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए ओ माय गॉड और भाई अब हम कंटेंट वालों से क्या कहें अब हम क्या कहें उनसे वो तो हमें कहेंगे कि जी आप तो कहते थे बहुत बकवास है तो ये क्या हुआ आप ये देखिए इसकी रेटिंग देखिए इसका मतलब है आपको नहीं पता हमें, पता, हमें है। पता है और फिर हमें मानना पड़ता है, है हमें भी नहीं पता है उनको भी नहीं पता है ऑडियंस को पता है, पता है। <laughs> <laughs> कोई बात लोगों को ठुक जाती है बाजुकात बाज ऐसा हो जाता है इसका पैमाना कोई नहीं है पैमाना कोई नहीं है स्क्रिप्ट देखिए ना जिस दौर में अनवर मकसूद साहब का स्क्रिप्ट कंटेंट डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा हाँ जी उस दौर में फिर अल्लाह ही खैर करेगा मतलब अब <laughs> अब हम क्या कह सकते हैं सही है। अनवर मकसूद साहब का स्क्रिप्ट भी कोई पढ़ के कहेगा कि नहीं ये करने के काबिल नहीं है या ये नहीं करना या वो वही तो आप देखिए ना कि अब वो कर भी नहीं रहे ना जी वो इसीलिए छोड़ दिया इसीलिए छोड़ दिया अगर आपकी जिस जिस नाम को दुनिया ने

आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि दे coming right back.

और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं। जी सर आ, ये बतानी बहुत जरूरी मैं जब आ रहा था तो मैं रस्ते में सोच रहा था कि मैंने आयशा को ये जरूर बताना है। सर मैं किसी के पास गया एक काम वो एक पटवारी साहब थे अच्छा तो कोई आ, मेरे नेफ्यू का कुछ था प्लॉट ट्रांसफर करवाना था कुछ इस तरह से काम था तो मैं सर उनके अंदाजा तो वो मिले बहुत प्यार से अरे आइए हाँ बहुत आइए बैठिए तो बातें करने लगे तो कहने लगे मैं अभी कर देता हूँ कोई मसला नहीं है और वो लेके आओ उतों फलाना रजिस्टर थे वो फलाना तो आम तौर पे ना वो उनके अगर कभी अगर आपको जाने का इतफाक़ हो तो वो, वो कारपेट के ऊपर ही बैठे जी होते, जी, पे बैठे होते। खाते पुराने जो थे ना वो हमें, अंग्रेजी दौर में पुरानी फिल्मों में वो बनी है जो हम दिखाते थे खाते, वो वो खाते और आगे वो छोटा छोटे वाला ऐसे ही वो बैठे हुए थे तो वो मुझे एकदम से कहते हैं गल सुनो वसीम साहब जी आयशा का नंबर मिल सकता oh oh अच्छा. है तो उनसे मुलाकात नहीं है कभी लेकिन मैं आपको साथ ये भी बता जी। कि खुदा की कसम जी अगर मेरे पास होता तो भी मैं आपको ना देता क्यों आपने बदतमीजी की है तमीज होनी चाहिए oh कि आप मुझसे कह रहे हैं कि नंबर है मैं इतने नंबर देखना है, <laughs> 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 मैं अपने काम आया तू मेरे को आयशा जहाजेब का नंबर मान <laughs> दरअसल में जिस तो आप बहुत फेमस हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ सर पटवारियों में फेमस हूँ अच्छा चले ये भी अपने आप में एक जोक हो गया लेकिन जो भी आप लोग हैं बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का लेकिन सर को प्लीज तंग मत करें उनके पास डायरेक्टरी नहीं है नंबर देने की अच्छा जी सर हमने आपकी हर चीज़ पे बात की है थिएटर पे बात की है मेरा ख्याल है कि एक नश्त में तो आपका करियर आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस को कवर ही नहीं किया जा सकता कई नशस्तें होनी चाहिए यानी एपिसोड दर एपिसोड हम करेंगे जिसमें हम आपके ज़िंदगी के तजुर्बात के ऊपर बात करें इसी तरह आपका फ़िल्म का जो तजुर्बा रहा आपने प्रोडक्शन तो की उसमें एक्टिंग भी की जी रीसेंट से शुरू करूंगी पंजाब नहीं जाऊंगी फिर उससे पीछे हक महर, और फिर मंजिल आपकी पहली फिल्म आ, आ, पंजाब नहीं जाऊंगी तो मैं करना ही नहीं चाह रहा था जी. अच्छा आप करना ही नहीं आ, नहीं मैं बिल्कुल हरगिज नहीं करना चाह रहा था और मैं इसलिए ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हैं नदीम बेग भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त मैं तो समझता हूँ और हुमायूं बहुत ही डिसेंट आदमी है वो वाकई बहुत आदमी तो जब मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दिया तो मुझे वो कैरेक्टर पसंद नहीं आया अच्छा तो मैंने कहा कि इसमें मेरे लिए करने को कुछ नहीं है सही सही और ऑनेस्टली मुझे फिल्म करने का कोई शौक नहीं है सही मैंने सत्रह अठारह फिल्में की हैं और मैं वो वाहिद एक्टर हूँ जिसने अल्हम्दुलिल्लाह सत्रह अठारह फिल्में फ्लॉप करवाई यानी मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी उस दौर में कि यार ये मुझे दोबारा क्यों लेने आ गए हैं अठारह हम मेरी तो अभी कुछ बारह तेरह तो फ्लॉप हो चुकी हैं अच्छा और फिर ये कह रहे हैं कि इसमें हमने आपको कास्ट करना है तो मैं नहीं मान रहा था मैंने कहा मैंने नहीं करना अच्छा बट नदीम ने मुझसे कहा कि नहीं यार मुझे जरूरत है सिंस ही इज अ फ्रेंड तो लास्ट जो मैंने उसको बात कही मैंने कहा तुम चाहते हो तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो जाए कह लगा क्यों मैंने कहा खुदा की कसम मैं जिस फिल्म में काम करता हूँ वो फेल हो जाती है मेरी आज तक कोई मेरी एक पहली फिल्म मंजिल वो जरा सी अच्छी गई थी उसके बाद तो मैंने लाइनें लगा दीं फ्लॉप <laughs> तो और और मतलब एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कहा यार ये स्क्रीन जो है ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है हाँ, ये मुझसे इसको कोई मतलब है मतलब बकवास तरीन फिल्में हिट हो जाती हैं मेरी फिल्म नस्बता अच्छी थी फिर भी फ्लॉप हो गई है <laughs> तो वो मैं वो तो नहीं करना चाह रहा था लेकिन बहर वो की वो चलें एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी और नदीम इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर तो एक सक्सेसफुल चीज़ का हिस्सा होना इट् सेल्फ एक ऑनर की बात बिल्कुल है बिल्कुल है। तो इतना तो मैं क्रेडिट उसका ले सकता हूँ ड्राम तो नहीं नहीं वो, वो <laughs> <laughs> अच्छा तो हम आपके जो नीसेंट ड्राम द हीरो प्रेम गली मेरे हम सफर आंगन उसके साथ साथ खुदा और मोहब्बत लेट्स टॉक अबाउट दीज प्लेस इनके बारे में बात करते हैं uh, देखिए ये सारे मेरे बड़े फेवरेट प्लेस हैं ओके okay. बहुत मुझे आपसे पूछते जाएंगे कि आपका क्यों फिर हाँ पहले आ, आप खुदा और मोहब्बत की बात करें खुदा और मोहब्बत में मेरा कैरेक्टर बहुत बड़ा मार्जिन था, नाम, क्या था, उस आ, था। आ, आ, नाम तो मैं भूल गया हूँ अच्छा। मेरा क्या नाम था उसमें राइट लेकिन वजाहत उसके बाद जी 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 फिरोज फिरोज खान ने किया जी हाँ तो वजाहत हुसैन उसके डायरेक्टर थे वंडरफुल डायरेक्टर वेरी क्रिएटिव बहुत समझदार तो बड़ा मजा आया वो प्ले करने का आपने बड़ा अच्छा निभाया उस किरदार को अभी हमने जो किया इधर हीर दा हीरो आए हाय वो आई वाज आई वाज सिंपली इन लव विद इट ओके क्योंकि वो था जरा लाइट सा एक लाहौरी टच वाला लाहौरी टच वाला अरुण शहर का इमरान अशरफ की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है हाँ वो उसकी केमिस्ट्री भी मेरे साथ बड़ी है इतना इतना अच्छा एक्टर है जी जी मैं नहीं समझती हमारे पास उसके पाए का कोई दूसरा एक्टर अभी उस एज लिमिट में उस एज ब्रैकेट में उसकी क्वालिटी ये है कि वो उसने बहुत बहुत मुख्तर वक्त में बड़ी वेरिएशन दी है उसने हर तरह का रोल हर तरह का रोल किया है उसने भोले का कितना जी, अच्छा किरदार किया जी, है और फिर जी, जी. उसने मूसा का बहुत अच्छा किरदार तो ये हीरा द हीरो करने का बड़ा मजा आया <laughs> बड़ा मजा बड़ा मैंने एंजॉय किया क्योंकि तो इसमें वो बातें जो हम स्टेज पे किया करते थे <laughs> तो हम तरस रहे थे कि यार वो वाली बातें बाहर आसी भी थे जुगत करिए यार खुदा मतलब आपके हीरो की कोई फेमस जुगत बता दें नहीं अब आपको जो पसंद है अब वो तो शायद मेरे ज़हन में ना रहे चलिए सर फिर एक फुलवदी जगत हो जाए ये अलाइका या ज़ोहा के ऊपर अच्छा चलिए सर आप मेरे पे कर लें अच्छा नहीं तो वो शेजी तो तख्ता नहीं, नहीं ये तो बच्चियां हैं हमारी वो अलग बात है कि लग रहा है इसके बाद इन्होंने जाके ड्रिप भी लगवा ली <laughs> 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 खाया पिया करो बेटा कुछ थोड़ी जान बनाओ सर ये अक्सर खा पी के बेहोश हो जाती है जैसे वो जो कश्मीरी है मेरा भी ननियाल सारा कश्मीरी है उनके बारे में ये कहते हैं ना जी कि वो पेट भर के नहीं खाते वो खाना तब छोड़ते हैं जब थक जाते हैं <laughs> तो मेरा ख्याल है कि इनका उल्टा हिसाब है ये खाना देख के थक जाती देख है। है। और एक हाथ निवारा लेके बेहोश जी 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 जी, जी। <laughs> अच्छा सर फिर आंगन के बारे में बात आंगन आंगन बहुत मजा आया जी आंगन करने का आंगन में मेरा कैरेक्टर था एक दामाद का बिल्कुल और वो बड़ा नखरीला सा दामाद वाला बहुत ही अक्सर होते होते हैं जैसे होते हैं जैसे <laughs> तो, हमने हमने तो अपनी फैमिली में भी देखा हुआ हाँ। मतलब, हाँ, हाँ, मतलब, हाँ, 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 सानू तो कोई पूछता ही नहीं तो कोई ही नहीं फिर की होया हो जाता है इस तरह भी तो वो मैंने उसको इसी पैटर्न पे किया मतलब देखो बुरा नाम बनाना भाई लेकिन तुम्हारे घर में जाके होती तो मेरी बेजती ही है oh, लेकिन oh, 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 oh. लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है मैं तो उसे अपना घर ही समझता हूँ तो <laughs> मुझे मुझे वो बड़ा बहुत मजे का लगा मैंने बड़ा एंजॉय किया उस Achha, उस कैरेक्टर अच्छा, प्ले की ट्रीटमेंट भी बहुत अलग बहुत बहुत अलग वो ऐसे प्री पार्टीशन जी वो फील देता था कासिम अली मुरीद उसका डायरेक्टर था बहुत शानदार और उसने बहुत वेरी टैलेंटेड वेरी वेरी टैलेंटेड अभी मैं जो कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने मुझे रखी हुई है अंजुम शहजाद बिल्कुल जो के फैमिली फ्रंट में बॉबी जी जी का भी बात करेंगे बाद में। वो बहुत मुझे बड़ी खुशी है उसकी मोहब्बत है ये वो मुझे कहता है कि आप मेरे उस्ताद है क्योंकि फैमिली फ्रंट जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तो कुछ तीन चार एपिसोड्स में उसने मुझे असिस्ट किया था अच्छा तो ये देखिए ये उसका बड़ापन है कि वो तीन चार एपिसोड करके भी आज तक वो यही कहता है कि जी ये मेरे तो है। सर आपको अंदाजा नहीं है लेकिन अगर मुझे कभी में मिले तो एबल टू लर्न सो मच फ्रॉम यू एंड योर एक्सपीरियंस जो आपने प्रोडक्शन में किया एक्टिंग में किया, कि मेरा वो आपकी प्रेजेंस से यानी बड़ों की प्रेजेंस से छोटे जो है अंडरमाइंड नहीं होते ये बात अगर आज के दौर के बच्चों को समझ आ जाए कि जो बड़े हैं वो आपके एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं अंडरमाइन नहीं करते तो या लाइने अगर, अगर आप समझें तो आपने कहीं नहीं जाना बिकॉज आर कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक

टेढ़े मेढ़े सवाल करते हैं और अगर कोई जवाब ना दे तो हम कहते हैं कि आपने हरी मिर्च खानी है आप टेढ़े मेढ़े सवाल करें जरूर <laughs> करें आप अपना फॉर्मेट ना चेंज करें ठीक है सर। लेकिन हम आप आपको हरी मिर्च खाने नहीं देंगे हरी मिर्च बस खाने क्योंकि ये फिर कई दिन मुझे <laughs> 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 अच्छा सर वो कौन सा ऐसा एक्टर प्रोड्यूसर है कि जिसका एटीट्यूड सेट पे डिस्टर्ब करता है प्रोड्यूसर तो नहीं है कोई ऐसा प्रोड्यूसर तो नहीं आते लेकिन मुझे लगता है कि एटीट्यूड के मामले में शायद हम ही हों खुद नहीं सर के को हमारे ही नखरा हो को कुछ ज़्यादा कुछ सीनियरिटी का फ़ायदा उठा लेते हों हम कुछ इस लिहाज से अच्छा। मगर मैं आपको बहुत ऑनेस्टली इसका जवाब दूँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस दौर का एक्टर या फीमेल एक्टर या मेल एक्टर कोई ऐसा हो जिसके साथ हमने काम ना किया बिल्कुल खुदा मैंने किसी का नखरा इस तरह से नहीं देखा ओके। अब वो हमारे रिगार्ड में शायद ऐसा करते हैं कि हमारे सामने नहीं करते तो बहुत हम शुक्रगुजार हैं उनके <laughs> आ, वैसे नखरा होता है ये नहीं कहा जा सकता और ये मैं आपको बता दूं यंगस्टर्स में नहीं होता जो मेरी उम्र की <laughs> हो। नजराना हम पेश करते हैं कौन सा एक्टर है एक्ट्रेस है जो आपको लगता है कि बहुत ओवर रेटेड है इसका टैलेंट इतना नहीं है ये वो सवाल है जिसमें नादिया अफगन के ऊपर

अपने बेटे को कभी प्रमोट नहीं किया, किया। जिंदगी में कभी नहीं किया और मैं आपके इसमें इस प्लेटफॉर्म से, इस से ये चैलेंज करने को तैयार हूँ कि कोई एक प्रोड्यूसर या कोई एक डायरेक्टर या कोई एक राइटर ये कह दे कि मैंने कभी अपने बेटे के बारे में कहा हो कि यार तुम इसको, इसको, इसको कास्ट करो बात हो तो मैं समझता हूँ कि मेरा अपना बेटा जो है उसको अंडर किया जाता है सही बात है सही बात है मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है लोग डिसग्री कर सकते हैं इसके साथ हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है जैसे नादिया की अपनी चॉइस है बिल्कुल नादिया के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है कोई ऐसी क्यामत खेस बात नहीं है उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसने कह दिया कह दिया अच्छा, उसकी क्या है देखिए इस चीज को मैं तो इसलिए एक्सप्लेन करूंगी सर क्योंकि देखिए हमारे शो से ये बात शुरू हुई और उसने कोई इस तरह नेगेटिव वे में नहीं बड़े ही आराम से पॉजिटिव वे में बात की थी और मैं बार बार इसको हर प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ कि ये एक बड़े पॉजिटिव वे में हम ये सेगमेंट करने का मकसद सिर्फ ये कि ऑल इज नॉट गुड बीच में कहीं पे लैप्सेस हैं अच्छे एक्टर्स भी हैं जो अभी भी अंडर हैं आयशा देखिए दिलीप कुमार इस हाँ जी। सबसे बड़े एक्टर कंसिडर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। नहीं है बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते अभी भी पसंद नहीं करते भाई अब उनकी चॉइस है आप क्या कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे और इसमें कोई बुरी बात नहीं है हर इंसान तो की चॉइस तो अगर नादिया के नजदीक यमुना यमुना आप अगर ओवर है एक मैं बात कर रहा हूँ तो वो नादिया का पॉइंट ऑफ व्यू है इट जुमना के लिए मैं तो ये कहूंगा कि वो इस कदर अच्छी आर्टिस्ट है कि उसकी क्लास की मेरा ख्याल है जिस कदर सिंसरिटी के साथ वो अपने कैरेक्टर को परफॉर्म करती है जितना डीपली उसमें इन्वॉल्व होके कम शायद लड़कियां हों जो ऐसे कर ये ये आपका ये मेरा है वो उसका का वो परिफरेंट उसने अ, मतलब बड़ी ये बात की कि कि मेरा है वो थोड़ी सी ओवररेटेड है अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर सर कि वो कौन सा एक्टर है या एक्ट्रेस है जो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है ना जाने आंगन टेढ़ा जी सर ये भी बहुत सारे हैं भाई <laughs> 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 सर यू हैव टू जस्ट नेम वन अच्छा आई स्वेयर टू गॉड मुझे ना नाम भूल जाते हैं चलें अब मैं उसके खद्दो खाल बता सकता हूँ कि <laughs> कौन सा लड़का है फेयर है जरा यू है कोई प्रोजेक्ट मेरे साथ भी कई बार काम कर चुका <laughs> अब हमें <आवे laughs> दूरबीन के साथ लेकिन मतलब वो ये खुद जब उससे कुछ एरर होता है तो वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझसे गलती हुई है <laughs> वो हमेशा कहता है कि ये शॉट बनाया है इन्होंने मेरी कमर आ रही थी तो मैं इससे कैसे परफॉर्म करता

वो तमाम की तमाम जो हैं वो मेरी बहुत ही बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ अच्छा वो करती नहीं है लेकिन <laughs> मैं अब वो चूँकि वो उस बेचारी को मैं समझा लूँगा इसलिए मैं उसका नाम लेने लगाऊँ निदा मुमताज़ का अच्छा कह दीजिए अच्छा चलिए निदा सॉरी वेरी सॉरी अच्छा मुझे पता है ऐसा नहीं है लेकिन अब मजबूरन नाम लेना पड़ रहा है वरना हरी मिर्च खिला देते यार प्लीज़ अच्छा जी हम पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेते कि ये हम सिर्फ और सिर्फ सेक ऑफ़ फन करते हंसी मजाक के लिए अच्छा सर ये बताएं कि वो कौन सा एक्टर है या चले हम इस पे आ जाते हैं कि आप अगर जा रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे आपने माहिरा यमुना और फहद मुस्तफ़ा में से किसी एक को लेकर जाना है लॉन्ग ड्राइव पर आपने एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है तो आप इन तीनों में से लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे? देखो युना और माहिरा जो हैं वो तो हमसे बहुत छोटी है भाई। अच्छा, तो है। उन्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाने का फायदा कोई नहीं है <laughs> तो लॉन्ग ड्राइव पे को ही ले जाएंगे <laughs> तो चलो बरदाना गपशप तो हो जाएगी कम से <laughs> कम मैं उससे उसके कोई पुराने रोमांस या करंट रोमांस जो है वो पूछ लूंगा वो मुझसे पूछ लेगा थैंक यू और उसको मैं बता भी दूंगा क्या बात है लेकिन इनका इनको इनके साथ जाने का फायदा कोई नहीं आ, है <laughs> अच्छा सर ये बताइए कि आपकी जिंदगी के जितने प्लेज हैं मूवीज हैं कोई एक प्रोजेक्ट अगर आपने अपनी जिंदगी में से निकालना हो जिसे आप डिसन करना चाहें वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा फिल्म फिल्म ही तो? होगी कोई <laughs> सर फिल्म फिल्म होगी कौन सी फिल्म होगी वो आपके हिसाब से मेरा ख्याल है कि वो आ, होगी आ, इश्क रोग इश्क रोग आ, और क्यों सर वाई क्योंकि वो एक फजूल सी फिल्म बन गई थी <laughs> <laughs> मतलब आ, आपकी ऑपोजिट कौन थी ऑपोजिट तो बाबरा ही थी है मेरे साथ क्या बात है बड़ी अच्छी और खूबसूरत पेयरिंग रही होगी यकीन वैसे आग लगनी चाहिए थी पर्दे पे नहीं वो बाबरा जो है वो आ, आ, मैं, की कोई तकरीबन छः सात फिल्में मैंने उनके साथ की हैं बला की एक्ट्रेस थी और जब मूड खराब हो जाता था तो बला ही हो जाती <laughs> थी <थे। laughs> बाकी उनके उनके आर्टिस्ट होने में तो कोई है ही नहीं दोस्ती राय yes. सर ऐसी कोई दोस्ती आपकी अपनी जिंदगी की जिसपे आपको पछतावा हो कि यार गलत बंदे पे ट्रस्ट कर लिया

दोस्ती होती है इक्वलिटी की बुनियाद पे बिल्कुल। और दोस्ती होती है पेशेंस की बुनियाद पे बिल्कुल आपको बहुत सारी बातें बेयर करनी पड़ती हैं दोस्तों की बिल्कुल। अगर आप ना करें तो फिर तो आप हर किसी से खफा हो जाएं बिल्कुल अब जैसे मेरी और उमर शरीफ की दोस्ती जो है वो इस किस्म की दोस्ती थी कि मेरा ख्याल है कि उसकी मिसाल दी जा सकती तो हम कभी एक दूसरे से खफा भी हो जाते थे दो दो तीन तीन महीने बाद भी नहीं करते थे लेकिन फिर सुलह हो जाती थी फिर वैसे के वैसे हो जाते ऐसे दोस्त होते थे। ना जो बचपन के दोस्त होते हैं जी वो, वो तकरीबन हमारी मतलब देखिए मेरी उसकी दोस्ती हुई नाइनटीन एट्टी में तो वो बचपन ही था समझ ले सही बात है सही बात है उन्नीस में जब आपका एक दोस्त अभी अल्लाह उसको गरीक रहमत करे अभी उसके इंतकाल को डेढ़ दो बरस हुए तो वो दोस्ती कोई बयालीस चालीस साल पुरानी दोस्ती जो है वो आ, बड़ी खूबसूरत जी हाँ जी हाँ एंड चेरिशेबल ऐसी दोस्तियाँ आजकल कहाँ होती हैं सर ये आपका आ, अवार्ड और ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जिसको हम कहा जाए कि सर को मिले वो अगर जैसे सर को 2016 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला मैं समझती हूँ सर आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड हैं कि आपका करियर का ग्राफ इतना बड़ा है कि ये अवार्ड्स बहुत ही छोटे हैं थैंक यू सो मच हम कहीं नहीं जा रहे और खबरदार जो आप भी कहीं गए फिर कमिंग राइट बैक करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूं मैं दोस्तों में हूं कि तेरे दुश्मनों में हूं मुझसे गुरेज पा है तो हर रास्ता बदल मुझसे गुरेज पा है तो हर रास्ता बदल मैं संगे राह हूं तो सभी रास्तों में हूं आ चुका है सतह पे कब से खबर नहीं तू आ चुका है सतह पे कब से खबर नहीं बेदर्द मैं अभी उन्हीं कह में हूँ हूं तू आ चुका है सतह पे कब से खबर नहीं बेदर्द मैं अभी उन्हीं गहराइयों में हूं ऐ यार खुशदार तुझे क्या खबर कि मैं कब से उदासियों के खने जंगलों में हूं वाह 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 और बदला न मेरे बाद भी मौज़ूए गुफ्तगू बदला न मेरे बाद भी मौज़ूए गुफ्तगू मैं जा चुका हूं फिर भी तेरी महफिलों में हूं ओ हो हो वाह 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 और खुद ही फराज ला सहरा लहू लहू और खुद फराज अपने ये साहब उनकी एक किताब थी नायाफ्त जो हमारी चढ़ती जवानी में आ, उनकी तो ये उसके कुछ अशार थे सर कुछ और थोड़ा सा इतना मजा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ <laughs> एक और है उनका के आ, आ, बारफ्तगी में आहा। बारफ्तगी में दिल का चलन इंतहा कथा अब परस्त है वो जो कायल खुदा कथा का मुझको खुद अपने आप पे शर्मिंदगी हुई मुझको खुद अपने आप पे शर्मिंदगी हुई वो इस तरह कि तुझ पे भरोसा बला कथा और वारिस कदर शदीद के दुश्मन ही कर सके वारिस कदर शदीद के दुश्मन ही कर सके चेहरा मगर जरूर किसी आशना का था आ, हा, हा, हा। और तूने बिछड़ के अपने सर इल्जाम ले लिया तूने बिछड़ के अपने ते सर इल्जाम ले लिया वरना फराज का तो ये रोना सदा का है। हाँ हाँ क्या बात है सर वाह वाह, बहुत खूब। <laughs> सर आप जरा यहाँ तशरीफ ले आए ताकि हम बाकी की गुफ्तु यू ही चलते चले जाएं उसके साथ यकीन जाने सर कि आपकी प्रेजेंस में इस प्रोग्राम के गुजरने का पता बहुत ही बहुत नहीं चला बहुत हमारे साथ जो पीछे दो लड़कियां आगे जितने भी इस फील्ड में लोग आ रहे हैं काम करना चाह रहे हैं तो आप उनको क्या कहते हैं कि अब ये चीजें अडोप्ट कर लो या उनकी ऐसी क्या आदत है जो उनको छोड़ देनी चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए उनको देखिए बेटा ये तो बहुत टॉपिक है एक एक तो वास्ट है दूसरा इसको अगर हम बहुत आ, आ, समेट कर भी कहें तो मोटी मोटी चीज़ें ही हैं कि आप अपने काम के साथ सन्सैरिटी भरपूर सन्सैरिटी बरतें आप आ, मेहनत करें आप स्ट्रगल करें आप डिसहार्ट ना हो नाकामियाँ आती हैं ज़िंदगी में हम सब ने बड़ी रिजक्शनस देखी हुई हैं और रिजेक्शन एक बड़ी खौफनाक चीज़ है लेकिन उसे बर्दाश्त करना और उसके बावजूद स्ट्रगल में रहना यही असल कामयाबी है क्या मैं तो यही कहूँगा कि बस आप अपने काम पे फोकस्ड रहें और अपनी मुकम्मल हंड्रेड परसेंट दें बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए बाकी उसके इख्तियार में है वो सर मेरे आपसे दो सवाल हैं लो जी <coughs> सर एक तो ये कि आपने इतना इतने सालों से आप काम कर रहे हैं आपने चीजें बदलती देखी हैं थिएटर का गिरना और फिर अब दोबारा से उसका उठना और अब जो भी है वो सब देखा है आपने सर ड्रामा की रिकॉर्डिंग्स और वो सब कुछ भी उनके तरीक़े भी तब्दील होते देखें तो वो अब ऐसी एक क्या चीज़ है जो एक मतलब मैंनेडेटोरी चीज़ बन चुकी है जो आपको बड़ी तकलीफ़ दे लगती है कि जो पहले के तौर तरीक़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है देखिए कुछ तौर तरीक़े को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं हुए लेकिन टेलीविजन के ज़माने में हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता था रिकॉर्डिंग सेंट्रली एयर कंडीशन स्टूडियोज होते थे बिल्कुल और उसमें आपको वो uh, uh, उस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता था गर्मी और उससे अब देखिए ना आप घरों में रिकॉर्डिंग करते हैं आपने जून में कॉन्टीन्यूटी में सूट पहना हुआ है तो वो सूट पहन के आपने रिकॉर्डिंग करनी है बाहर अगर टेम्परेचर जो है वो अगर 40, 40 है।, है तो अंदर जो है वो 45 है क्योंकि लाइट्स लगी हुई हैं तो ये ये एक, एक कुछ मसाइल तो हैं काम में लेकिन फिर काम में मसाइल होते ही हैं काम इतना आसान तो होता नहीं है तो आ, मेरा मेरा ख्याल है कि कोई बाकी कोई ऐसा ख़ास मैं कहूं कि डिफरेंस है वो तो नहीं है और सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये कि आपने इतना कुछ देखा है तो आपका कभी कभी दिल नहीं करता कि आप अपनी ज़िंदगी पे किताब लिखें अच्छा मैं समझा आपने ये सवाल किया है कि आपने इतना कुछ देखा है अब आपका दिल नहीं चाहता कि आप वापस चले जाए <laughs> ऐसी तो नहीं, से नहीं, भी नहीं, नहीं, है। नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं देखिए मैं लिखना चाहता हूँ और मैं लिखूंगा और बहुत जल्द शुरू करूंगा लिखना इसलिए कि मेरे पास फिल्म स्टेज टेलीविजन इन तीन चीज़ों का फोर्टी थ्री ईयर्स का मैं हिस्टोरियन हूँ अरे मेरे लिए कोई ये 43 बरस जो है ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है ये तो हड भी थी ये है। मैंने जी ये मैंने देखी है प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा है है जिया सबको जी हाँ तो बहुत बेशुमार मेमरीज हैं बहुत सारे कोलिग हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन पर लिखने को दिल चाहता है फिल्म स्टूडियोज जैसे बर्बाद हुए हैं खत्म हो गए जैसे तबाही हुई है से काम खत्म हो गया जी आयशा मैंने जब स्टूडियो जाना शुरू किया था आई आई वाज वाज अ आई अ बहुत ही बच्चे थे हम चूंकि हमारा फिल्म का काम था तो वो स्टूडियो देख कर लगता था कि यार वाकई अगर कोई ये कह सकता है फिल्म स्टूडियो यू नो you know, एक होती थी ना लोगों की बड़ी एक डिजायर होती थी यार स्टूडियो देखना है। हाँ। तो वो वो स्टूडियोस थे क्योंकि वो तो उस तो, गोल्डन पीरियड था तो उसकी तबाही पर लिखने को बहुत दिल चाहता है बहुत दिल चाहता है बहुत सारे वाक़ हैं और मरने से पहले एक बार किताब तो जरूर लिखेंगे सर मैं एक्टर्स का नाम लूँगी आपने उनको मशवरे देने हैं कोई भी मशवरा जो आप बेहतर समझें अगर हम मायरा खान की वॉक के बारे में कोई मशवरा देना चाहें मायरा खान तो परफेक्ट है जी ओके okay, उसको मशवरा नहीं दिया जा सकता मैं समझता हूँ कि वो तो आ, 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 शी इज अ सुपरस्टार स्टार एंड शी डिजर्व इट उसने जो जो भी किया है जो मेहनत की है जिस तरह मेंटेन किया है अपने आप को जो उसने अपना स्टेटस अपना स्टैंडर्ड रखा है तो उसकी वॉक पे मैं क्या ही मशवरा दे सकता हूँ मेरी तो अपनी वॉक इतनी बुरी है इतनी तो बुरी है बखुदा खुदा मैं चल रहा होता हूँ लगता कोई पलवान जा रहा है <laughs> हो सकता है आप जो है अपने आप में एक पहलवानी हो अब अब मुमकिन है वैसे मैं इस पहलवानी को माइनस करना चाहता दूँगा अच्छा सर आतफ असलम की आवाज पे कोई मशवरा या कोई आप उसे आप उन्हें ते चले मशवरे को छोड़ दे तजवीज़ तज़वीज़ यही है कि ऐसे ही गाते रहो ऐसे ही कामयाब रहो बात हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं तुमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और तुम बहुत शानदार इमरान अब्बास की आंखों पे के नाम कुछ कर इमरान अब्बास जिनकी इमरान अ... इमरान अब्बास अब्बास सदा बहार पौधा है जी <laughs> <laughs> सर भी, उसने तो। सदा बाहर ही रहना है। <laughs> <नासे>। <laughs> क्या जो, जो चमक उसकी आंखों में है वह वैसी ही रहनी चाहिए अच्छा शान की जो वॉइस की क्वालिटी है ग्राम है उसके ऊपर आप शान था? एक शानदार एक्टर है और उसने अपनी वॉइस को हमेशा बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया बिल्कुल मेरे कुछ नजरिया शान के साथ यकीन होंगे हो सकते हैं लेकिन मैं एक तो शान के वालिद का बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत ही बड़ा फैन हूँ क्या बात मैं समझता हूँ कि रियाज शाहिद साहब जैसे जीनियस लोग जिन्होंने अपने दौर से पचास बरस आगे की बात की है आप देखिए उनकी बनाई हुई फिल्में आ, उस पीरियड में आ, वो, वो फिल्में फिल्म बनाई हैं जो पचास बरस आगे की फिल्में थी। तो शान को बस यही मशवरा है कि यार तलखी ना किया करो जरा लोगों के साथ ज्यादा बड़े अच्छे हो क्यूट हो प्यारे हो <laughs> शानदार एक्टर हो <laughs> आ, ऐसे ही, <laughs> ही रहो हंसते मुस्कुराते फ्लूट की जो क्वालिटी है जो फ्लूट बजाते हैं मैंने कभी सुना नहीं है फ्लूट मगर सुना है कि वो बजाते हैं फ्लूट और तो हमें क्या मशवरा देंगे क्या उनको नसीहत करेंगे सबके सामने सुनाया करो यार <laughs> वो, वो, मतलब अक्सर कोई अकेला ही किसी को सुना देता है और फिर वो <laughs> कर लेता है कुछ इस तरह का रूमर है पता नहीं अब सही <laughs> तो है ये गलत सोशल मीडिया पे वो अक्सर पोस्ट करते रहते हैं हम तो देखते हैं उनको अच्छा करते हैं अब अब फिर करना शुरू बहुत शिद्दत से अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सबा कमर की एक्टिंग सर फैबुलस जबरदस्त कोई नसीहत सर नसीहत ये कि शानदार रहो बड़ी मोहद्दब है आहा। वेरी डिसेंट और जिस तरह से उसने अपने आप को ग्रूम किया है मैं समझता हूँ कि आइडियली अगर कोई अपने आप को ग्रूम करना चाहता है ना हुँ, हुँ। तो वो उससे सीखे क्या बात है सर बाकी सब एक्टर्स की बात हो ही रही है तो हम अली अब्बास की भी बात कर लेते हैं उनको आप क्या मशवरा दें अली को मेरा मशवरा यही है कि देखिए ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है आपको बहुत फिट रहना पड़ता है आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है आपको हर परफॉर्मेंस देखनी चाहिए जब आप इस एज ग्रुप में होते हैं आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कौन क्या कर रहा है किसका क्या प्लस पॉइंट है किसका क्या माइनस पॉइंट है अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है अपने 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 जिसम को कैसे काबू में रखना है बहुत सारी आपकी ख्वाहिशात जो हैं आपको वो छोड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल यही मशवरा है कि लगे रहो मुन्ना भाई। <laughs> <laughs> बाकी थैंक थैंक यू यू। सो मच। इतना मजा आया इतना मजा आया। वो कि हमने उस तरह शरारतें नहीं की लेकिन हमें आपके साथ बैठकर एक तो आपकी प्रेजेंस बहुत oh, माशाल्लाह पॉजिटिव है दूसरा ये कि आपके होने से हमें ऐसा एहसास हुआ कि हमने वो सारे गोल्डन दौर देखे हैं जिनसे सिनेमा भी गुजरा है थिएटर भी गुजरा है ड्रामा भी गुजरा है म्यूजिक भी गुजरा है यानी ये वो चीजें हैं जिनके बारे में अब और सर प्लीज मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि, कि किताब अब लिख डालें क्योंकि मतलब हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी लर्निंग होगी उस किताब इंशाला शुरू करनी है और इसी साल शुरू करनी वेरी गुड सर, सर पैगाम अपना दे दीजिए वो बहुत पुराना एक फिक्र है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे और दूसरा पैगाम ये है कि मुल्क के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं सब एक दूसरे से मोहब्बत करें प्यार करें और अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि आवाम का ख्याल करें देखिए लोग महंगाई में पिस रहे हैं बहुत ही बुरे हालात हैं बहुत ज़रा है। हम आपकी सिंसेरिटी पे शक नहीं कर रहे लेकिन जरा मजीद सिंसेर हो जाए बस साढ़े वाल, वाल तक सजना साढ़े वाल तक सजना बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस शो में शामिल होने का सर के साथ यकीन जाने अभी भी दिल कर रहा है कि निश्चित थोड़ी उस तरफ भी हो शायद हम करें भी लेकिन आप लोगों से हमें इजाजत लेंगे और हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए खुदाफेज विल बी राइट बैक